पूरे देश प्रदेश में विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षक, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और विश्व हिंदू समिति बांदा ने उदयपुर राजस्थान में हुई खौफनाक घटना के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने को लेकर महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित करते हैं। समिति के अध्यक्ष श्री महेश कुमार प्रजापति ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हुए कि बीते दिनों उदयपुर नगर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो अमानवीय और खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया उससे आमजन सहमे डरे हुए हैं। देश के प्रत्येक व्यक्ति, जाति, संप्रदाय में रोष है। गौरक्षा समिति बांदा के हम सभी सदस्य गण व पदाधिकारी गण आपसे अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार के अमानवीय कृत्य के लिए सजाए मौत दी जाने की मांग की, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। गौरक्षा समिति बांदा की मांग है कि कन्हैया के हत्यारों को फांसी की सजा दे दी जाए और फतेहपुर जिले से विश्व हिंदू परिषद ने राजस्थान सरकार की घोर निंदा करते हुए कहा कि अगर सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। फतेहपुर जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय गुप्ता, राजेश कुमार मौर्य, नरेश चंद्र, अवधेश कुमार मिश्र, डॉक्टर शिव स्वरूप गुप्ता, ममता गुप्ता, कोमल मिश्रा, गीता सिंह, शोभा अग्रवाल, मनोज त्रिपाठी, आशीष कुमार गुप्ता, अतुल कुमार, इस तरह से ढेर सारे लोगों की मौजूदगी में खागा उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और गौस मोहम्मद और रियाज अहमद को फांसी देने की मांग की। आए सुने क्या कहा बांदा जिले से गौरक्षक, फतेहपुर जिले से राजेश कुमार मौर्य और बांदा पुलिस क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार सिंह ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश ब्यूरो संजय पटेल की रिपोर्ट फतेहपुर से। हत्या कर दी गई, ये बहुत शर्मनाक घटना है। इससे देश से पूरा इस घटना से पूरा देश दहला हुआ है, हिंदू जनमानस डरा हुआ है। हमारी मांग यही है महामहिम राष्ट्रपति जी से, इस घटना को संज्ञान में लेते हुए उन दोनों मुस्लिम युवकों को तत्काल प्रभाव से फांसी देना चाहिए और वह वहाँ उपस्थित राजस्थान कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या करना चाहेंगे? कार्रवाई अगर नहीं होती तो पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा विश्व हिंदू महासंघ इस लेव को प्रदर्शन करेगा और उग्र प्रदर्शन करेगा। जो ये पुतला जलाने के लिए आपने कहा है तो इसका उद्देश्य क्या है आपका? पुतला जलाकर क्या दिखाना चाहते हैं? जिहादियों को पुतला जलाया जा रहा है, जो जिहादी टाइप के लोग होते हैं उनको विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है। तो जिस जिले में या जिस प्रदेश में ये घटना हुई है, क्या वहाँ का प्रशासन या शासन ने कुछ कार्रवाई की उनके खिलाफ? वहाँ के प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन अभी पूरे रूप से कार्रवाई नहीं की गई। जिस प्रकार से हमारी मांग, आज जो ये ज्ञापन भेजा गया है, किनके माध्यम से और किनको भेजा गया है ये ज्ञापन? ये माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजा गया। क्या आश्वासन मिला उनसे आपको? आश्वासन यही मिला कार्रवाई होगी।